Today we are going to learn about distance and displacement. So let's start with distance. The total path length measured from one position to another is called distance. Distance क्या होता है? जो total path length measure किया गया हो, कहाँ से एक position से दूसरी position तक, तो उसको हम बोलते हैं distance. समझते हैं इसको. देखिए, मान लो आप A point पर हैं, और A से आप कहाँ गए? B पर. B से आप कहाँ गए? C पर. और C से आप आते हैं D point पर. तो distance की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? AB plus BC plus CD. अब इसको measure किस में करते हैं? So we measure distance in kilometer, centimeter, meter, inches and so on. लेकिन अगर SI unit की बात की जाए तो इसको हम किस में measure करते हैं? Meter में. SI unit मतलब होता है international system, यानी कि whole world में जो हमारा system use किया जाता है internationally, उसमें अगर हम बात करें तो distance को meter में हम measure करते हैं. It is a scalar quantity. डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जब ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी. तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूँ कि ए से बी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो 10 है ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसलिए हमने इसको बोला स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, बी से ए भी 10 ही होगा, तो कोई डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ा, ए से बी जाऊँ चाहे बी से ए, लेकिन 10 जो मैग्नीट्यूड है वो तो 10 ही रहेगा, है ना. चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की. तो एग्जाम्पल से थोड़ा और समझते हैं. ए से बी, देखो कोई ऑब्जेक्ट जाता है 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, बी से सी जाता है 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है. तो अगर बोला जाए कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा आपका? ए बी प्लस बी सी. ए बी क्या था? 4 सेंटीमीटर. बी सी क्या था? 3 सेंटीमीटर. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर. यहाँ पर एसआई यूनिट में जो है मेजरमेंट नहीं लिया, सेंटीमीटर में लिया है. अगर एसआई उसमें लेते तो हम क्या करते हैं? हम मीटर लिखते. ठीक है, चलिए अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में. इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. समझते हैं कैसे. देखिए, आप ए पर हैं, ए से आप पर गए बी पर, और बी से आप गए सी पर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ए टू सी, क्योंकि आपको जाना तो सी पर था ना. हम घूम कर क्यों गए? ए से बी क्यों गए? सीधा सी पर ही डायरेक्ट आ जाते. तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए टू सी, ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके लिए अगर मान लो मैं ए से किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती, मान लो मैं इस एरो की तरफ जा रही हूँ, तो मैं सी तक नहीं पहुँच पाती. तो सी तक पहुँचने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को ही फॉलो करना पड़ेगा. तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड भी मिलता है और डायरेक्शन भी मिलती है. डिस्प्लेसमेंट की अगर एसआई यूनिट की बात करूँ तो इसकी एसआई यूनिट मीटर में ही होती, क्योंकि ये भी तो डिस्टेंस ही है, बस फर्क क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, इसलिए इट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, ए से बी ऑब्जेक्ट गया, बी से सी पर गया. ए से बी उसने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, बी से सी 3 सेंटीमीटर का, लेकिन हमें जाना था सी पर, तो वो डायरेक्ट ए से सी जा सकता था. पाइथागोरस थ्योरम से हमने ए सी की वैल्यू निकाली है, वो कितनी निकल गई? 5 सेंटीमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमें पता ही है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का बीच का मेजरमेंट डिस्टेंस का है ना. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये कितना निकल का आया आपका? एसी. और एसी कितना है? 5 सेंटीमीटर. तो ये एसी आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट. अब डिफरेंस जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. देखिए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि इसका क्या है? मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ. डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. डिस्टेंस क्या है? इट कैन नॉट बी जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, कभी नहीं होगा. ओके, रुका हुआ है तो डिस्टेंस जीरो होगा ऑब्वियसली. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. इट कैन बी जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. अब देखिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस या तो इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के या इससे ग्रेटर होगा हमेशा.
जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू और स्मॉलर देन डिस्टेंस, या तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर डिस्टेंस से कम होगा। चलिए कुछ और पॉइंट समझते हैं। तो वो क्या है आपका, सबसे पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखे थे हमने। तो ए से बी और बी से सी जब हम आए थे, तो ए से बी, बी से सी जो हमारा निकल के आया था डिस्टेंस, वो था 7 सेंटीमीटर का, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी कितने निकल के आई थी, 5 सेंटीमीटर की, अगर ए बी 4 और बी सी 3 है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये तो पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा किससे, डिस्टेंस से। लेकिन यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर कब होगा, तो इसको समझते हैं। देखिए, मान लो मैं ए पर हूँ और ए से बी पर कोई डिस्टेंस कवर करती हूँ, ऐसी बी से मैं सी पर जाती हूँ। अब यहाँ पर अगर मुझसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। ओके, इस केस में मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं की, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब मुझसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका एसी है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस भी इसका एसी है। तो यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन में हम मूव करते जाएं विदाउट चेंजिंग अ डायरेक्शन, तो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अब समझते हैं सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में अभी हमने डिफरेंस में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है किसी किसी केस में, है ना, तो वो किस केस में होता है वो समझ रहे हैं, कब होगा जीरो, क्लोज पाथ पर अगर हम मूव करेंगे। तो देखिए, ए से बी पर गए, ठीक है, बी से सी पर गए और सी से वापस ए पर आ गए, तो इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, इसका मतलब हम तो कहीं गए नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हमारा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जबकि इस जगह अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो आई होप आपको इसका ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।